हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आईआईटीज के एमएससी फीस स्ट्रक्चर के वीडियो सीरीज के पार्ट थर्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी बीएचयू, आईआईटी इंदौर, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी पटना, आईआईटी जम्मू और आईआईटी तिरुपति के एमएससी फीस स्ट्रक्चर को लेकर। हालांकि हमने पार्ट फर्स्ट और सेकंड में बहुत सारे आईआईटीज के एमएससी फीस स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उनको वॉच नहीं किया तो फ्रेंड्स प्लीज आप जरूर वॉच कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आईआईटी बीएचयू के एमएससी फीस स्ट्रक्चर को लेकर। जैसा कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का जो एकेडमिक फीस रहने वाला है वो लगभग आपका 30,000 रहने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर का। ये जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कौन से सेमेस्टर का फीस है, ये फर्स्ट सेमेस्टर का फीस है। हालांकि सेकंड थर्ड में जो ये फीस होता है ये कम हो जाता है। फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ एनुअल चार्ज होते हैं, कुछ सिक्योरिटी फीस होता है, इसलिए थोड़ा सा फीस ज़्यादा होता है अन्य सेमेस्टर के कंपेरिजन में। वही स्टूडेंट्स हम एकेडमिक फीस की बात करें एस सी एस टी के लिए, तो स्टूडेंट्स लगभग आपका जो है 19,000 प्लस है, लगभग आप 20,000 मान लीजिए, तो ये एस सी एस टी का रहने वाला है। इसके साथ ही आपका मेस फीस जो है अलग से रहता है, 12,000 जो है मेस फीस अलग से रहता है, सभी कैटेगरीज के लिए सेम है। तो जनरल वाले अपने फीस में, अपने एकेडमिक फीस में ऐड कर लो 12,000 और एस सी एस टी वाले अपने एकेडमिक फीस में ये ऐड कर लो, तो ये आपका टोटल फीस रहने वाला है स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर का। इसी के साथ फ्रेंड्स हम बात करें आईआईटी भुवनेश्वर के एमएससी फीस स्ट्रक्चर को लेकर। तो फ्रेंड्स आईआईटी भुवनेश्वर में जो है 48,000 आपका फर्स्ट सेमेस्टर का फीस रहने वाला है, सब कुछ मिलाकर एकेडमिक हॉस्टल मेस मिलाकर 48,000 स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट सेमेस्टर का फीस रहने वाला है। और सेकेंड सेमेस्टर में स्टूडेंट्स ये फीस जो है थोड़ा कम हो जाता है। इसके साथ ही बात करें आईआईटी तिरुपति में, तो स्टूडेंट्स आईआईटी तिरुपति में स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए हॉस्टल मेस एकेडमिक सब कुछ मिलाकर फर्स्ट सेमेस्टर का जो फीस है वो लगभग 50,000 के करीब है, 50,000 के करीब है। वहीं अगर हम बात करें सेकेंड सेमेस्टर में, तो सेकेंड सेमेस्टर में स्टूडेंट्स आपका फीस काफ़ी कम हो जाता है। सेकेंड सेमेस्टर में जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए आपका क्या रहता है, 36,000 रहता है सेकेंड सेमेस्टर में। हालांकि जो एस सी एस टी के बच्चे हैं उनका ये 50,000 है, इसमें ट्यूशन फीस कम हो जाता है, और जो ये 36 है सेकेंड सेमेस्टर का, इसमें भी एस सी एस टी का जो फीस है कम हो जाता है। तो यानी एस सी एस टी का सेकेंड सेमेस्टर में 36 से भी कम आपका रहने वाला है। इसके साथ स्टूडेंट्स हम बात करें आईआईटी पटना का, तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आईआईटी पटना का ये फर्स्ट सेमेस्टर का आपका फीस रहने वाला है। इसमें एकेडमिक भी आ गया, हॉस्टल मेस सब कुछ मिलाकर स्टूडेंट्स आपका ये आईआईटी पटना का फर्स्ट सेमेस्टर का फीस रहने वाला है। और सेकंड सेमेस्टर में इसमें थोड़ा कम हो जाता है स्टूडेंट, जो भी इसमें रिफंडेबल फीस होती है या फिर वन टाइम फीस होती है वो कम हो जाती है। और सभी आईआईटीज में सेकंड सेमेस्टर से फीस जो है थोड़ा कम हो जाता है फर्स्ट सेमेस्टर के कंपेरिजन में। इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स आईआईटी इंदौर के एमएससी फीस स्ट्रक्चर को लेकर। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एकेडमिक हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 64,000 रहने वाला है सब कुछ मिलाकर, ठीक है। और वहीं एस सी एस टी का 60,000 रहने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर का फीस। ये जो फीस है फर्स्ट सेमेस्टर का है, सेकेंड में ये कम हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सारा खर्चा मिलाकर बताया गया आपको।